नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल मिस्त्री में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको पत्थर के जो रेशे होते हैं कैसे मिलाए जाते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले आप पत्थर देखें कि आपके पत्थर किस तरह के हैं। जैसे मैं देख रहा हूँ, ये पत्थर ही है, हर पत्थर में नंबर होते हैं जैसे इनमें लिखे हुए नंबर। तो आपने ये देखना है कि हमारे जो कमरा है उसमें कितने पत्थर लग रहे हैं, उसके हिसाब से आप रेशे बना सकते हैं। माना यदि कमरे में चार पत्थर का सेट बना रहे हो तो आपको जो नंबर वाइज चार पत्थर बिल्कुल देख लेना है कि वो किस तरह से हैं, टूटे हुए या सही। यदि सही है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, अगर थोड़े टूटे हुए हैं तो कितने टूटे हुए हैं उस हिसाब से आपने चारों पत्थरों को एडजस्टमेंट करना है। तो आप देखें, हम पत्थर में निशान लगा रहे हैं, इसमें एक पत्थर टूटा हुआ है। इस टूटे हुए के हिसाब से हम निशान लगाएंगे कि ये कितना टूटा हुआ है। ये लगभग लगभग हमारा 1 इंच के आसपास टूटा हुआ है, तो हम उसकी 1 इंच के हिसाब से उसमें निशान लगा के उसको हम सीधा कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, उसके बाद हम दूसरे कोने को भी हम गुनिया में कर लेंगे। गुनिया की सहायता से हम इसको दूसरे कोने को भी गुनिया बना लेंगे। दोस्तों, आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आप जब पत्थर को दूसरी साइड से भी जब गुनिया में करते हो तो आपने ये देखना है कि गुनिया कितने इंच पीछे है, 1 इंच या 1.5 इंच, जितना ही पीछे है। क्योंकि आपका पत्थर का टूटा हुआ हुआ तो टूटे हुए को आप सीधा जरूर करेंगे। बस आपने ध्यान रखना है कि ये जो सेट है हमारा पत्थर का, वो सारे पत्थर एक ही जगह से कट होने चाहिए। क्योंकि जब पत्थर एक ही जगह से कट होंगे तो आपके जो रेशे हैं वो घटेंगे बढ़ेंगे नहीं। अगर आप उसे माना कि वो 1 इंच कट रहा है और दूसरा पत्थर आपने 2 इंच काट दिया, तो वो आपका रेशा सही तरीके से नहीं मिलेगा। बस यही सबसे मेन ट्रिक है इसकी। अगर आप पत्थर का जो कटिंग करते हो, जो आप गुनिया की कटिंग करते हो, बस वही खेल है। अगर आप ये खेल समझ गए तो यकीन मानो दोस्तों, आप पत्थर के चाहे कैसे भी रेशे होंगे आप सही तरीके से मिला देंगे। और दूसरी बात बताना चाहूँगा, जब आप पत्थर में रेशे मिलाते हैं तो हमेशा एक पत्थर अगर आपने सीधा लगाया है तो दूसरा पत्थर उसी के उल्टा लगेगा, यानी विपरीत लगेगा। माना कि जैसे किताब के पन्ने खुलते हैं तो बस किताब के पन्नों की तरह ही चलेगा हिसाब किताब। अगर आपने पन्ना, जैसे आप बीच बीच किताब खोलते हो तो एक पन्ना इधर पलटते हैं, एक पन्ना उधर पलटते हैं, पर पत्थर का भी वही सीन होता है। उसका एक पन्ना आपने इधर पलटना है और उसी डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन से आपने कटिंग कर रखी है, वो पन्ना दूसरा पलटा जाएगा। फिर अगर आपने पत्थर के पीछे पत्थर लगाने हैं तो बस जो इसके पिछला हिस्सा है पत्थर का वो पिछले से मिलेगा और जो अगला हिस्सा है उसी के अगले से मिलेगा। बस दोस्तों, आप इस बात का विशेष ध्यान रखना कि बस यही है मेन चीज़ जो पत्थर के रेशे मिलाने में लगती है। दोस्तों, मैं आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। आप एक कॉपी का पेज लें, उसको अगर आपने चार का सेट बनाना है, दो बार उसे पलट लें, एक बार पलट के फिर दूसरी बार पलट के छोटी सी जैसे चिट्ठी बनाते हैं उस तरह से फोल्ड कर लिया। फिर आप उन फोल्ड को खोलो, बस वही तरीका पत्थर का है। पत्थर के रेशे मिलाने का तरीका यदि आपके समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि नहीं आया होगा तो मैं आपको किसी और तरीके से इसे समझाने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, टाइल पत्थर से संबंधित वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं आपको बारीक से बारीक जानकारी देने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ। यदि टाइल पत्थर वाली वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देखें। वैसे तो हर किसी का काम करने का तरीका अलग अलग होता है, पर मैं आपको वो जानकारी देता हूँ जो मैं खुद करता हूँ। दोस्तों, आप जब भी पत्थर की कटिंग करें तो सबसे पहले आप उसकी सीधी वाली साइड ही पकड़ें, क्योंकि सीधी वाली साइड से आपको नापने के लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं वीडियो को आपको थोड़ा सा फटाफट दिखा देता हूँ।
दोस्तों आप देखिए ये रेशे कितने अच्छे मिल चुके हैं। मैं थोड़ा ऐसे धो के दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने फ़िलहाल अभी दो का सेट बनाया है, आप इसको चार का ही बना सकते हैं। बस आपने ये ध्यान रखना है जो मैंने वीडियो में आपको बताया है कि किधर से किधर को पत्थर पलटना है। और देखिए क्योंकि आपको मिले हुए रेशे अच्छे लग रहे हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपका भाई आपके लिए नॉलेजफुल वीडियो लाता रहेगा और आपका वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।